हाँ जी डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने डियर एस एल स्टूडेंट, आज हम लोगों ने 8th क्लास के मैथ में हमने करनी है जी 3.2। पिछले लेक्चर में हमने जितने भी प्लस और माइनस के क्वेश्चन थे वो सारे किए, और अभी हम लोग जो है वो इस लेक्चर में जो है वो जो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है वो जो है वो हम करेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बेस क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास 3.2 का, ठीक है जी, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, पहली वैल्यू हो गई, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आ गया और हमारे पास आ गई जी 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है जी के मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पता है कि 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे बेटा सेम वही वैल्यू 1 2 ऊपर वाली 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इस तरह आपने 7 1 लिख देने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, काम थोड़ा खुला खुला करेंगे, ठीक है जी, लिखेंगे डिजिट ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना बने। अब पहला डिजिट हो गया है, पहले डिजिट ने सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, तो आप एक क्रॉस लगा दिया, उसके बाद हम भी दूसरा डिजिट की बारी है, तो उसमें भी सेम 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 1 आ गए। फिर भी थर्ड डिजिट की बारी है, थर्ड डिजिट क्या है जी, दो वैल्यू हो गई, थर्ड डिजिट 0 है, तो 0 जब किसी डिजिट से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है जी, सारे 0 आ जाते हैं, तो ये 0, ये भी 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 0, 7 आने हैं क्योंकि 7 1 है ऊपर। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास 3 डिजिट हो गए हैं, 3 क्रॉस आ गए, ठीक है, ये देखेंगे पहला डिजिट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 क्रॉस आ गए। फिर अब 1 की बारी है, चौथे 1 की जगह 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है जी। फिर जी उसके बाद 1 2 3 और 4 डिजिट हो सकते हैं, फिर अब 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अब सिर्फ हमने सिंपली क्या करना है, आंसर निकालना है। तो यहाँ पे बेटा 1 का तो 1 ही आ जाएगा, इधर भी 1 और 1 2, 2 कितने की इक्वल है 10 के, 10 का लगा दिया 0 और ऊपर आ गया 1, ठीक है, 1 और 1 2, 2 10 की इक्वल है, 10 और 1 11, 11 का 1 हो गया और 1 कैरी आ गया, ठीक है जी, कैरी को आप कोशिश करें सर्कल कर लिखें, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 3 11 की इक्वल है और 4 बेटा 20 की इक्वल है, तो 20 का 0 आएगा और 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ठीक है जी, तो 6 जो है वो 30 की इक्वल है, तो 3 आ गया जी, आ गया हमारे पास 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 6, 30 की इक्वल है ना, और फिर 7 31 की इक्वल है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। फिर आगे जी 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, 31 के, ठीक है, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 31 की इक्वल है, 1 और 3 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 30 इक्वल है 0 और 3 कैरी। फिर भी आगे 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 जो है वो 21 की इक्वल है, क्योंकि 4 20 के इक्वल होता है और फिर 1 ऐड करेंगे 21 और 2 कैरी। फिर भी उसके बाद 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 20 की इक्वल है 0 और 2 कैरी, 2 और 1 3, ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ 3 जो है वो 3, सॉरी आपके पास किसकी इक्वल होगा 11 के, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आंसर आ गया जी पहले क्वेश्चन का, ठीक है जी, 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 और बेस आ गई 2, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इसके बाद हम करते हैं जी आगे क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 10, जिसमें बेस 5 की मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें भी डियर एस एल एस स्टूडेंट वही काम करना है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 3 6, अब 6 देखना है कि 11 की इक्वल है, 6 नहीं लिख देना, 11 की इक्वल है, 11 का 1 आएगा और 1 कैरी हो जाएगा। फिर भी 2 2 4 और 1 5, 5 10 की इक्वल है और 1 कैरी। फिर भी 2 3 6 और 1 7, 7 12 की इक्वल है, 2 और 1 कैरी, ठीक है, और फिर भी 2 4 8 और 1 9, 9 किसकी इक्वल है, 14 के, एक दफा फिर से देख लें, 2 0 और 0 हो गया, 2 3 6, 6 11 की इक्वल होगा, 1 कैरी आएगा, 2 2 4 और 1 5, 5 जो है वो 10 की इक्वल है, 0 आएगा, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, 7 12 की इक्वल है, 2 और 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, 9 14 की इक्वल है।
फिर भी उसके बाद आपने क्या करना है, एक ब्रांच लगा दिया। हाँ जी, यहाँ पे आप वन है तो वन का ऑपरेशन तो बड़ा आसान है, 1 0 0, 1 3 3, 1 1 2 2 हो गया, और 1 3 3 हो गया, और 1 4 4 हो गया। फिर भी दो वैल्यू हो गई हैं, दो क्रॉस आ गए। फिर आप बेटा आपने क्या करना है, 4 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 4 3 12। अब देखें इधर 12 जो है वो किसके इक्वल है जी, 2 और 12 22 के इक्वल है, ठीक है। 4 3 12 12 22 के इक्वल है, इसका 2 आएगा और 2 ऊपर कैरी आ जाएगा यहाँ पे। फिर 4 2 8 और 2 10 10 20 के इक्वल है 0 और 2 कैरी। फिर भी 4 3 12 और 2 14 14 24 के इक्वल है 4 और 2 कैरी। फिर भी क्या होगा, 4 4 16 और 2 18 18 जो है वो आपके पास। अब ये देखें सर, 18 हमारे पास है ना, ये 5 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो 5 3 4 5 3 4 आ गया 15 और 3, तो जो 18 है ये 33 इक्वल है। यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, 33 लिख लेंगे। अच्छा ये 4 वाला थोड़ा मुश्किल था, ये फिर समझ लें। 4 0 0 हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 को हमने क्या लगाया 2 और 2 कैरी। फिर भी 4 2 8 और 2 10 10 का 0 और 2 कैरी। 4 3 12 और 2 14 14 का 4 और 2 कैरी। 4 4 4 आ गया जी 16 और 2 18 18 का 33। 1 2 और 3 क्रॉस आ गए, क्योंकि 3 वैल्यू हो चुके हैं। अब देखें यहाँ पे 2 है और पहली वैल्यू भी हमारी 2 थी, तो इसका मतलब है कि जो पहली मल्टीप्लीकेशन है वो सारी भी हम इधर देख सकते हैं। तो ये आपके पास बचे 0 1 0 2 4 और 1। यहाँ पे जी आप आंसर लिखना है तो 0 आ गया, 1 का 1 आ गया, 3 का 3 आ गया, 2 2 4 2 2 4 और 2 6 6 नहीं लिखना, 1 लिखना है, 11 की इक्वल होता है 6 और 1 कैरी। 5 5 4 3 5 4 3 कितना हो गया 8 और 1 9 9 14 की इक्वल है 4 और 1 कैरी। 2 2 और 4 6 6 और 4 10 10 20 की इक्वल है 0 और 2 कैरी। 2 और 3 5 5 और 2 7 7 12 की इक्वल है 2 12 की इक्वल है 2 आ गया, 1 कैरी आ गया। 4 और 4 8 8 जो है वो 13 की इक्वल है 5 में, यहाँ पे 3 और 1 कैरी हो गया, तो यहाँ पे 1 और 1 2। तो जो बेस 5 है उसमें 5 से पहले पहले की वैल्यू आएंगी, ठीक है। यानी हमारे पास जो बेस 5 होता है उसमें वैल्यू आ सकते हैं 0 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे जी हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। आज मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, ठीक है। तो आपने गौर से और ये वीडियो देखनी है और फिर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसमें बेस 8 वाले भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई के हैं, वहाँ पे भी यही काम होगा। और जिधर 8 बनेगा वहाँ पे आप 8 नहीं लगाएंगे बल्कि 10 लगा के 0 लगा के कैरी कर देंगे। तो यहाँ पे डियर एसएलएस स्टूडेंट, हम अपनी जो है वो क्लास को वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल हम जो है वो नए लेक्चर के साथ जो है वो ऐड होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।